नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। थाईलैंड के एक स्कूल बस में आग लग जाने से छात्रों समेत कम से कम 25 लोगों की जान चली गई है। दमकल और बचाव दल मौके पर मौजूद थे। अधिकारियों और बचाव कर्मियों ने ही ये जानकारी दी है और हादसे के दौरान झुलसने से कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ऐसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। हादसा किस वजह से हुआ, फिलहाल इस बारे में अभी तक कोई भी सटीक जानकारी हाथ नहीं लग पाई है। स्थानीय लोग भी बचाव और राहत दलों के साथ आग बुझाने और पीड़ितों की मदद में जुटे हुए थे। बैंकॉक पोस्ट के अनुसार ये बस उथाई थानी में एक स्कूल से छात्रों को ले जा रही थी और इसी दौरान इसमें आग लग गई। बचाव कर्मियों ने कहा कि आग की लपटों में कई युवा यात्रियों की जान चली गई और वो लोग घायल हो गए। जोर शोर सो ट्रैफिक रेडियो नेटवर्क ने दोपहर लगभग 12:30 बजे जीर रस्टिंग शॉपिंग मॉल के पास इनबाउंड फाहोन योथीन रोड पर बस में आग लगने की सूचना दी। फायर एंड रेस्क्यू थाईलैंड और थाई बीपीएस ने कहा कि बस 38 छात्रों और 6 शिक्षकों को शैक्षिक यात्रा के लिए उथाई थानी के लैंसक जिले के वाट खाओ प्रया संखराम से ले गई थी। उनका गंतव्य ज्ञात नहीं है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस रेडियो ने कहा है कि कई यात्रियों की जान चली गई है और कुछ लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। थाईलैंड के परिवहन मंत्री सूर्या ने घटनास्थल पर संवाददाताओं को बताया कि बस में 44 बच्चे और टीचर सवार थे और वो सभी स्कूल की एक यात्रा के लिए केंद्रीय उथाई थानी प्रांत के बैंकॉक के उथाया की ओर जा रहे थे। ऐसे में राजधानी के उत्तरी उपनगर पथुम थानी प्रांत में दोपहर में बस में आग लग गई। ऐसे में गृह मंत्री अनुतिन चान विराकुल ने कहा कि अधिकारी अभी तक मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि वो घटनास्थल की जांच पूरी नहीं कर पाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जीवित बचे लोगों की संख्या के आधार पर 25 लोगों की जान जाने की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बस अभी तक इतनी गर्म थी कि वो सुरक्षित रूप से अंदर नहीं जा सके। ऐसे में सोशल मीडिया पर आए इस घटना के वीडियोस भी लगातार वायरल हो रहे हैं और ऐसे में बस जलते हुए विजुअल्स भी कई सारे सामने आए हैं और इससे काले धुएं का गुब्बार भी उठता देखा जा सकता है। छात्रों की उम्र और इस घटना के संबंध में अन्य विवरण की जानकारी फिलहाल नहीं सामने आई है। घटना स्थल पर मौजूद एक बचाव कर्मी ने सूर्या को बताया कि संभवतः बस का एक टायर फटने और फिर सड़क अवरोधक से उसे टकरा जाने के कारण आग लग गई और ऐसे में बचाव समूह होंग साकुल खलोंग लुआंग 21 ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर बताया कि बस से कम 10 बॉडी भी बरामद किए गए हैं। वेल, इस दुखद खबर पर आपका क्या रिएक्शन है? आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।